मिज़ान बैंक BSO 2022 का मेरे पास पेपर है, जिसमें आपके पास 15 पिक्चर पैटर्न्स, 35 मैथ के और 5 इंग्लिश के और 5 जनरल नॉलेज के, टोटल ये 60 MCQs हैं और आपको 60 मिनट्स में करने हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला मेरे पास क्वेश्चन है वो है जनाब ट्राइंगल का। आपने बताना है यो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी ट्राइंगल आएगी। ऊपर वाली ये दो ट्राइंगल है ना, ये मतलब अपोजिट हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो जो आप क्वेश्चन मार्क की जगह उसके साथ जो ट्राइंगल है वो इस साइड पे है ना, इस तरफ उसका मुँह है। जवाब में आएगी ट्राइंगल उसका दूसरी तरफ मुँह होगा, मतलब ये राइट साइड पर एरो है ना, तो वो उसका ट्राइंगल का लेफ्ट साइड पर एरो होगा। इसका आंसर है ए पहले का। दूसरे में देखो लाइंस लगी हुई हैं, इसका आंसर है बी। ये देखो इधर मेरे पास 1, 2, 3 लाइनें हैं नीचे, इधर भी मेरे पास 3 लाइनें हैं नीचे, वो वैसे ही कॉर्नर बन रहा है। अगर इस बी वाले को आप उधर उठा के रखेंगे तो उस जगह बिल्कुल सेट आएगा। 3 का मेरा पास आंसर है डी, क्योंकि जैसे आप देखें ना, डी वाले ऑप्शन को आप वहाँ पर 3 पर रखेंगे तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट वही फिगर बनेंगी, वही डब्बा सा बनेगा और ये जो ब्लैक्स है वो उसके साथ ही मैच करेगा। चौथे का मेरे पास है भाई बी ऑप्शन। बी में कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो गोल सा बना हुआ है, वो बॉक्स सा, जब वो कॉर्नर सा उधर लगाऊंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट। पांचवे का मेरे पास डी आंसर है, क्योंकि जैसे आप डी लगाएंगे ना वो बिल्कुल आपके पास फिट आएगा, वो गोल दायरा सा बनेगा इधर से। 6 का डी ऑप्शन आएगा, वो भी देख लो एरो ऊपर जा रहे हैं, आप उधर लगाएंगे आपको बिल्कुल फिट नज़र आएगा। 7वें में देखें आपका आंसर है बी, उधर बी उठा कर लगाएंगे तो बिल को आपको एग्जैक्ट लगे, वो चांस सा बना हुआ है उसमें से क्रॉस ओवर है। ठीक, 8 में क्वेश्चन मार्क की जगह बी लगा के देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, वही ऊपर वाली कॉर्नर साइड पे कॉर्नर बनेगा। ठीक है, 9 है, 9 का मेरे पास है भाईजान डी। डी आप देखें 9 को डी से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। अब मैं 10 पे जा रहा हूँ, 10 का मेरे पास भी डी है। ये देखो डी आप जब लगाएंगे वो एरो सारे अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो 11 का डी बिल्कुल वैसे आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास 12 का भी डी है, ये देखो उधर से आप बिल्कुल लगा के देखेंगे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा। ठीक है, ये पिक्चर पैटर्न आपने कॉमन सेंस से लगानी होती है। ठीक है, वहाँ पे उस क्वेश्चन मार्क की जगह आप वो डी ऑप्शन लगाएं तो आपका आंसर वहाँ पे एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। ठीक है, और 13 का मेरे पास सी आंसर है, वो आप वहाँ पे लगाएंगे आपको बिल्कुल आपका सर्कल भी बनेगा और आपका फ्लावर सा भी बनेगा और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। और 40 कितने क्यूब्स हैं डायग्राम में, वो भाई 10 क्यूब्स हैं और इसका ऑप्शन आएगा सी, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये ना 3D इमेज है, इन सारों को आप जमा करेंगे 3, 2, 2, 1, 1 और 1, 10 बनेंगे, ये आपका सी ऑप्शन। फिर हमने बताना है ये ब्लू का ऑपोजिट कौन सा है। ये देखो जब मैंने सेकंड आइस में देखा वहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, ये सेकंड आइस कैसे बने, फर्स्ट वाले को उन्होंने एंटी क्लॉक घुमाया है। ये देखो ग्रीन नीचे आ गया, ब्लू ऊपर आ गया, इधर ग्रीन है उसके साथ इधर जो हमें नज़र नहीं आ रहा वो ब्लू था। ठीक है, वो ब्लू के ऑपोजिट है येलो, इसका ऑप्शन 15 का ए है। 220 को 320 में जमा करोगे वो 540 बनेगा, 540 पे 5 डिवाइड करोगे 108 आएगा, मतलब 16 का आपका ऑप्शन है सी, 1443 multiply 84। 17वें का सी 2.6 -6.3, तो मैंने इसको क्या किया माइनस कॉमन ले ली, -3.7 इसका आंसर है। 18 का बी मैंने एक्स लगा देना है, वाट पे इस पे इक्वल लगा देना है और 45% मतलब 45 तकसीम मैंने 100 कर देना है, ऑफ की जगह मैंने मल्टीपल लिख देना है, 45 × 800 36,000 बन गया। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व करना है, 63 तकसीम 7 किया तो 9 आ गया, 9 × 20 किया 180, बड़े के साथ माइनस है तो मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले ली और मैं 9.8 से माइनस किया 6.06, तो ये मेरे पास आंसर है 3.74। उसके बाद मैं माइनस लगा 80 में 160 जमा किया 240 बन गया, 240 में 160 जमा किया 400 बन गया, 400 में 160 जमा करना है तो 560 बन जाएगा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और जिसमें 6 जीरो होती है, 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होते हैं, 1 बिलियन में 9 जीरो होती है, 7 × 3 = 10 × 6 60 हो गया, 60 × 6 वो 360 बनता है। लिखा पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व की, पहले 16 × 2 = 8 आ गया, 20 × 5 आया वो 4 आ गया और 8 × 4 = 12 हो गया। 7 का डिविजिबिलिटी रूट क्या है, वो 74 जो लास्ट डिजिट हो राइट साइड पे उसको डबल करना है, 4 को मैंने कर दिया 8 और 8 को मैंने उसमें से माइनस किया, 407 माइनस 8 की 399, 9 को पकड़ा उसको डबल किया 18 हो गया, 39 में से 18 माइनस किया वो 21 आ गया और 21 भाई 7 पे डिवाइड होता है, 27 में 9 + 36 है वो मेरे पास हो गया 45, 45 × 100 करा वो 4500 हो गया। मेरे पास बोर्ड मास रूल है 4 + 16 करो 20, 17 + 3 हो गया वो 20 हो गया, 20 − 20 = 0 हो गया, 20 को मल्टीप्लाई किया 4 से 80 आ गया, 80 × 4 किया 320 आ गया, 320 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 1200 से, 9 × 21 = 50 आ गया, वो मैंने मल्टीप्लाई किया 19,350 आ गया।
थर्टी वन ये आ गया, 0.39 आ गया, 13 + 2 15 हो गया, 15 × 3 = 3 किया 45, 40 जरा 25 किया 11, 25 आ गया, 90 + 887 वो 977, 9 + 16 = 25 आ गया, 49 किया वो मेरा 12, 25 आ गया, 25 किसका आधा है वो भाई 50 का आधा है, 6 इज की जगह इक्वल लिख दिया, 35% 35 / 100 लिख दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया और क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख दिया, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका 160 आएगा, तमाम जो नंबर है उसको ऐड करना है और उसका आंसर जो आएगा वो 3 और 9 पे डिवाइड होगा, 3, 2, 4 है, इसको मैंने ऐड किया ये मेरे पास 9 बना और 9 9 पे डिवाइड है, ऐड मैंने सारे किए 100 बने, फिर मैंने माइनस किया वो भी 100 था, वो 100 मैंने 100 जीरो हो गया, 77 में से एक निकाला 76 बन गया, 76 में से दो निकाले 77 बन गए, 77 में से तीन निकाले 71 बन गए, 71 में से चार निकाले 57 बन गया, फिर 57 में से मैंने पाँच निकाले 62 बन गया, 62 में से अब मैं 6 निकालूंगा तो 56 बनेगा, मैंने 11 ऐड किया 85 बन गया, अब 40 का 85 है बी है, सबसे पहले एडिशन है फिर उसके पास सब्ट्रैक्शन है, ऐड किया इनको सारे को मेरे पास आंसर आ गया 41 का ए 0.329, 8 × 10 = 24, 8192, 0.16 लिख दिया और टोटल 5 इनसे जीरो के बाद जितने नंबर हूँ वो सबको प्लस करके जितने इनसे हूँ टोटल वो उन पर डिवाइड कर दिया, 8 थे वो 38 टोटल बने, 38 × 8 किया वो मेरे पास 4.75 आ गया, 140 × 5 किया मेरे पास 28 आ गया, 121 में 22 ऐड करेंगे 143 बनेगा 588 पे, उसको मैं टोटल किया तो मेरे पास 21 बना, वो 21 3 पे डिवाइड होता है, 3 जो राइट साइड पे को मल्टीप्लाई किया 4 से 12 बन गया और इधर से 27 और 27 मैंने 12 ऐड की तो वो 39 बन गया और 39 जो है वो 13 पे डिवाइड होता है, 35 ضرب 145 करेंगे 50 × 75, 50 का डी है 5.1 ठीक है, यहाँ पे होता एनी, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द फ्रीजर, लेकिन वो ऑप्शन नहीं यहाँ पे मच आएगा, व्हेन यू केम इन आई वाज राइटिंग अ लेटर, लेट फी विल बी अप्लाइड टू योर अकाउंट इफ आएगा, इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड बाय मास्टर, सिनोनिम ऑफ रिमोट इज, रिमोट का मतलब होता है दूर, तो ये सी है डिस्टेंट, एनाटॉमी ऑफ फिल्थीज, फिल्थी होता है गंदगी तो ये में इसका मुतजाद होगा क्लीन, व्हाट इज ज़कात परसेंटेज अप्लाई कर फार्मर्स, 2.5% है, पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज वो मेरे पास टेक्सटाइल है, मिजान बैंक ब्रांचेज नेटवर्क रेंजेज 1000 से प्लस हैं, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स, व्हाट इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो है कैम्बरा, आपको पता होना चाहिए मिजान बैंक का विजन क्या है, एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज अ बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस, एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो इस टेस्ट में आपके 80% से प्लस मार्क्स हूँ, मैंने भी ये टेस्ट क्लियर किया था माशाल्लाह, मैंने भी पूरे टाइम में अटेम्प्ट किया था, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आया था, इस टेस्ट का रिजल्ट मैक्सिमम 1 मंथ के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, अगर आपका चांस बन जाए तो इंशाल्लाह जरूर बनेगा, टाइम बहुत शॉर्ट होता है आपको, ये 60 MCQ 60 मिनट्स में करने होते हैं, आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपने पूरा ये सॉल्व करना है, ठीक है भाई, ओके अल्लाह हाफिज़।